जीन ट्रांसफ़र बैक्टीरिया के केस में देखते हैं देखिए जो जीन ट्रांसफ़र होता एक तो होता है लेटरल और हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफ़र ये जो प्रोसेस होता है ये सेम स्पीसीज के बीच में हो सकता है और जो ट्रांसफ़र होगा एक स्पीसीज से दूसरे स्पीसीज में वहाँ पे कंप्लीट प्लाजमिक का ट्रांसफर होगा या पर्टिकुलर डीएनए का सेगमेंट ट्रांसफर होगा जो मटेरियल ट्रांसफर होता है उसको हम एक्जो बोलते हैं सेकेंड टाइप का जो ट्रांसफ़र है उसको हम वर्टिकल जीन ट्रांसफ़र बोलते हैं ये प्रोसेस जो है बाइनरी फीजन के थ्रू होगा जब बैक्टीरियल सेल डिवाइड करता है तो उस दौरान उनका जेनेटिक मटेरियल भी रेप्लिकेट करता है और पैरेंटल सेल से डाटर सेल में ट्रांसफ़र होता है इसको बोलते हैं वर्टिकल जीन ट्रांसफ़र औरटल जीन ट्रांसफ़र में ट्रांसफार्मेशन नेचुरल या आर्टिफिशियल हो सकता है जिसको एफ ग्रेफिथ ने डिस्कवर किया था नाइनटीन में सेकेंड होता है कॉन्जुगेशन प्रोसेस जो कि लीडरबर्ग एंड टैटम ने 1946 में डिस्कवर किया था कॉन्जुगेशन के बाद ट्रांसडक्शन जो होगा ये वायरस मीडिएटेड प्रोसेस होता है जिसको डिस्कवर किया था लीडरबर्ग एंड जिंडर ने नाइनटीन में जो कॉन्जुगेशन होता है इसको हम फर्दर देखते हैं कॉन्जुगेशन किसके बीच में हो सकता है एफ प्लस और एफ माइनस के बीच में एफ प्लस एक डोनर है एफ माइनस एक रेसिपियंट है और इसके बाद जो है आफ्टर प्रोसेस आफ्टर ट्रांसफर एफ प्लस एफ प्लस में रहता है और एफ माइनस एफ प्लस में चेंज हो जाता है दूसरा जो कॉन्जुगेशन है वो एच एफ आर और एफ माइनस के बीच में हो सकता है यहाँ पे आफ्टर ट्रांसफर एच एफ आर एच एफ आर ही रहता है लेकिन एफ माइनस एफ प्लस में चेंज नहीं हो पाता है, वो एफ माइनस में ही रहेगा एक तीसरा कंडीशन होता है एफ प्राइम और एफ माइनस के बीच में कंजुगेशन होना इस प्रोसेस को हम सेक्स डक्शन भी बोलते हैं और यहाँ पे आफ्टर कंजुगेशन एफ प्राइम और एफ माइनस भी एफ प्राइम में चेंज हो जाता है ट्रांसडक्शन की अगर बात करें तो ये दो टाइप के हो सकते हैं जनरलाइज होते हैं और एक दूसरे स्पेशलाइज होते हैं अगर हम जनरलाइज ट्रांजेक्शन की बात करें तो ये एबोरेटिव या कंप्लीट ट्रांसफर होता है जर्रलाइज ट्रांजेक्शन का मतलब है कि डोनर से जो डीएनए ट्रांसफर हो रहे हैं होस्ट पे वो डोनर का डीएनए कोई भी जीन हो सकता है इन जनरल कोई भी जीन ट्रांसफर हो सकता है रेंडमली और अगर वो ट्रांसफर होने के बाद वो होस्ट में जाके डिग्रेड हो जाता है या होस्ट सेल में इंटीग्रेट नहीं होता है, उसको तो एबॉरटरी बोलते हैं लेकिन अगर वो जाके होस्ट सेल में इंटीग्रेट कर जाता है तो हम कहेंगे कि कंप्लीट ट्रांसफर हो गया ये प्रोसेस जो है रैंडम डीएनए सेगमेंट का ट्रांसफर होता है जो कि वायलेंट फाज जो है इस प्रोसेस को मीडिएट करता है एंड वायरोलेंट फाज लाइटिक साइकिल परफॉर्म करते हैं कॉमन एग्जाम्पल में पी ट्वेंटी इसका होस्ट सालमोनेला टाइफिडूरियम होता है एक दूसरा जो ट्रांजेक्शन स्पेसलाइज होता है यहाँ पे स्पेसिफिक जीन का ट्रांसफर होगा जैसे कि गायल एंड बायोटीन के जीन टेम्परेट फाज जो है परफॉर्म करेंगे स्पेशलाइज ट्रांजेक्शन को जो कि लाइसोजेनिक एंड लाइटिक साइकिल परफॉर्म करते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल लेमडा फाज है जो कि एक टेम्परेट फाज है और जिसका होस्ट एक है